मॉर्निंग, वेलकम बैक। ये देखिए, कॉनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, अति परवलय। आपको सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया, सर्किल पढ़ाया है, फिर जो है परवलय पढ़ाया है, फिर जो है वो दीर्घवृत्त पढ़ाया है। आई बात समझ में? अब ये लास्ट टॉपिक है अति परवलय। देखिए इसका शेप और इसके किस बिंदु पर क्या नाम देते हैं, यह देखिए, यह है, यह एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है। ये देखिए, ये डिस्टेंस बराबर पे होना चाहिए, सेंटर सी है, सेंटर दूरी बराबर होना चाहिए और इस तरह से या, ठीक है, ये इसकी नियता कहलाती है। ये देखिए, ये क्या है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है ए डैश है, इसके ये शीर्ष हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम शीर्ष बोलते हैं और ये इसका केंद्र है और ये नियता है, ठीक। और ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट है एफ वन और यह पॉइंट है एफ टू, ये इसकी कहलाती है नाभि, इसको बोलते हैं नाभि। इसके निर्देशांक होता है ए जीरो, यहाँ पे होगा माइनस ए जीरो होगा, माइनस ए जीरो होगा। शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे, ए जीरो होंगे, इधर क्या होगा, माइनस ए जीरो होगा, इधर होगा ए जीरो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं माइनस ए जीरो, ठीक। इसमें दो यक्ष है, पहला है यक्ष यक्ष, इसका नाम हम देते हैं अनुप्रस्थ यक्ष, अनुप्रस्थ यक्ष, ठीक है ना, अनुप्रस्थ यक्ष देते हैं। और ये क्या है, इसको हम देते हैं वाई यक्ष को संयुग्मी यक्ष, इसका नाम क्या है, संयुग्मी यक्ष है, ये है, ये है आपके अति परवलय का स्ट्रक्चर है अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरह से ये फिगर अबाउट वाई एक्सिस भी बनता है। तो ये देखिए क्या है, अब इसकी डिफिनीशन क्या दे रहे हैं, लिखा है एक अति परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु क्या होती है, दो स्थिर बिंदु होती है एफ वन और एफ टू, बिंदुओं से दूरी का अंतर क्या होता है, अचर होता है, ठीक है। अब हम कहीं पर हम क्या करते हैं, पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए, यहाँ पर हम ले लें पॉइंट पी, देखिए इसका पॉइंट पी नामकरण कर लीजिए, यहाँ पे है, यहाँ आप मिला लीजिए, यहाँ पॉइंट पी ले लीजिए और इसका कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए एक्स वाई है और नियता पे आप क्या करें, यहाँ पे लंब डाल दीजिए, यह हो गया पी एम हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से इधर भी क्या है, हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी और इसके किससे मिला देते हैं, यहाँ इसके इस नाभि से मिला देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे है पॉइंट, ये है P1, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ले लिया, पॉइंट ले लिया P2, P2 को भी कहाँ से मिला दें, यहाँ नाभि से मिला देते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट P है और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ये नाभि भी मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ यहाँ एफ वन लिखा है, यहाँ पे एफ वन यहाँ पे दे रहा है तो इसको लिख दिया एफ वन, यहाँ पे लिख देंगे हम क्या लिख देंगे, एफ टू लिख देंगे, ठीक है। ए पॉइंट है पी थ्री, अभी इसके कोऑर्डिनेट मत लीजिए। तो इसमें जो अंतर होता है पी वन, पी वन एफ टू माइनस पी वन एफ वन इक्वल टू पी टू एफ टू माइनस पी टू एफ वन
इक्वल टू पी थ्री एफ वन माइनस पी थ्री एफ टू, मतलब जितना डिस्टेंस से होगा उतना ही डिस्टेंस से, उतना ही डिस्टेंस से। देखिए नाम सबका लिखा हुआ है, पी वन, यहाँ देखिए पी वन एफ टू, पी वन एफ टू ये डिस्टेंस, और इसके बराबर होगा माइनस पी वन एफ वन, ये देखिए पी वन एफ वन इक्वल टू, मतलब ये डिस्टेंस उसमें से ये माइनस हो गया। दूसरा है पी टू एफ टू, यहाँ देखिए पी टू और एफ टू माइनस पी टू एफ वन, ये अचर होता है, मतलब इसका मतलब क्या, कांस्टेंट होता है, इनके बीच की दूरियों क्या कहते हैं, कांस्टेंट होता है। ये नियता का समीकरण क्या होगा, एक्स बराबर ए वाई ई होगा। इस तरह से आपका ये पूरा अति परवलय का समीकरण है, किस बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको परवलय का, अति परवलय का मानक समीकरण बताते हैं। तो ये फिगर, चलिए दूसरा हेडिंग है, देखिए फिगर में बहुत सारे इधर उधर लिख दिया है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब दूसरा ले लें हम, अति परवलय का, अति परवलय का मानक समीकरण। ठीक है, लिखेंगे मान लिया कि परवलय पर, मान लिया कि अति परवलय पर, मान लिया कि अति परवलय पर कोई चर बिंदु, कोई चर बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं लिया। अब देखिए इसका मानक समीकरण कैसे निकालते हैं, यह देखिए ये आपका परवलय का शेप है, ठीक, ये इसका क्या लिख दें, यहाँ सेंटर लिख देंगे, और इसके कोऑर्डिनेट होगा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ए वाई, एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई, यहाँ पे है ए एफ टू, ए जीरो लिख दिया, यहाँ हो गया एफ वन माइनस ए जीरो हो गया। ठीक, अब देखिए हम क्या करें, यहाँ से कोई भी ये पॉइंट ले लिया पी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो यहाँ आप मिला दीजिए पी एफ वन, और ये इस पे लंब हो गया पी एम हो गया। अब देखिए अगर हम इस पे यहाँ पे लंब डालते हैं, यहाँ देखिए ये लंब डालते हैं, ओके, ये पूरा डिस्टेंस ये कितना हो गया, ये पूरा डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको पी एन चाहिए, तो एक्स माइनस ए हमको घटा देते हैं, एक्स में से क्या घटा दें, यह घटा देते हैं, तो हमको निकल जाएगा पी एम के बराबर, पी एम माने डिस्टेंस क्या होगा, ये जितना दूरी होगा ये डिस्टेंस पी एम के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे परिभाषा से, अब देखिए और भी इसका इस तरह से आप फिगर बना लीजिए, फिर क्या है, और इस बिंदु को इस सेंटर से ले लें, इसको आगे बढ़ा दीजिए, यह हो गया एम डैश, यहाँ देखिए इसको भी, तो लिखेंगे परिभाषा से, परिभाषा से, परिभाषा क्या होता है, यहाँ होगा एफ टू पी, एफ टू पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई,
ई क्या है, ई इसकी क्या है, ई केंद्रता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम स्क्वायर कर दें, ई का मान हमेशा ग्रेटर देन वन होगा, ये याद रखें कि यत परवलय की स्थिति में ई का मान क्या होगा, एक से बड़ा होगा। तो हो गया एफ टू पी का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर इंटू हो गया पी एम स्क्वायर। अब हम इसका मान निकाल दें, किसका मान निकाल दें, एफ टू पी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ एफ टू पी स्क्वायर, इसके बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये बिंदु निकाल दी, अब हमको निकालना है पी एम, तो पी एम स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स माइनस, ये देखिए पूरा एक्स है, एक्स माइनस इसको हम निकाल दें तो ये बचेगा, तो होगा क्या, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होगा। तो यह है पी एम स्क्वायर, ये क्या निकल गया, पी एफ स्क्वायर हो गया ये चीज। अब इसको हम उठा करके इस समीकरण में रख दें, ए पी एफ टू का मान और ये मान, चलिए ये समीकरण नंबर एक है। समीकरण एक एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए वाई स्क्वायर हो जाएगा, जीरो से कोई लेना देना नहीं है, इक्वल टू ई स्क्वायर, ई यहाँ दिया हुआ है, यहाँ होगा एक्स माइनस ए अपान ई का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करें तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, यहाँ देखिए ई एक्स माइनस ए अपॉन ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ई स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचा है इसको लिख लीजिए यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हाँ देखिए जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स, हाँ देखिए यहाँ टू ए ई एक्स क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब जो बचा है उसको आप देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है ई स्क्वायर, अगर हम इधर करें तो ई स्क्वायर छोटा होगा, इसलिए सबको हम उधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, अब बाकी सबको इधर पक्ष माइनस, इधर ए को भी कर लीजिए माइनस ए स्क्वायर, देखिए यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको इधर रहने दें, बाकी ये सब उधर कर लें, इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचा है, वाई स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से कॉमन है, कॉमन देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, ई स्क्वायर माइनस वन, ये देखिए ई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर। अब इससे हमको यहाँ वन चाहिए, इसी से आप क्या करें भाग कर दें, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, यहाँ भी इसी से भाग देना, ए स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर, या यहाँ लिखने से बेटर है यहाँ लिख दीजिए, ठीक, इसको यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, एक कॉर्नर में ठीक नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लें ई स्क्वायर, तो यहाँ होगा ई स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब किससे भाग दे दें, यहाँ पे हमको वन चाहिए तो इसी से भाग दे दो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस वन हो गया। अब देखिए पूरा कट जाएगा, कट गया तो वन होगा, ए कट गया इससे, ठीक ए कट गया, तो अब फाइनल आंसर लिखिए, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, जहाँ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए लिख देना है, जहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। ये है आपका अतिपरवलय का समीकरण है, ठीक है, यह कंडीशन है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि यह फिगर सिर्फ अबाउट एक्स एक्सिस हो, अबाउट वाई एक्सिस भी होगा, अबाउट वाई एक्सिस होगा तो इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये ध्यान से देखिए ये होगा, ये इसकी ना भी होगी, ये दोनों ना भी होगा, ये इसके शीर्ष होंगे, ये क्या होगा अनुप्रस्थ अक्ष होगा, और ये क्या होगा संयुग्मी अक्ष होगा, ठीक है, इसके नाम बदल जाएंगे। तो आपको यही निकाल, यही चीज़ जानना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए बीच में सॉरी माइनस इक्वल टू वन, जहाँ बी स्क्वायर, ई का मान हमेशा देखिए दीर्घवृत्त में वन माइनस ई स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर जो है अभी इसके और भी कुछ बताने हैं, और भी कई फार्मूले हैं तो आगे हम बताएंगे, लेकिन आप एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये दिया है, एक्स स्क्वायर एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू वन। ये देखिए समीकरण नंबर वन है, समीकरण एक को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वन से तुलना करने पर, चलिए भाई तुलना कर लो, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 ए इक्वल टू प्लस माइनस 4, इसी तरह बी स्क्वायर इक्वल टू 9 बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब इसमें देखिए क्या क्या निकालना है, अब इसके आधार पे आपको दिया हुआ है, पहला चीज है अति परवलय के शीर्षों को लिखो, नंबर फर्स्ट अति परवलय के शीर्षों के निर्देशांक, दूसरा नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, तीसरा तीसरा क्या निकालना है, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता, चौथा निकालना है उत्केंद्रता नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, ठीक। अब देखिए परवलय के शीर्ष
यहाँ पे लिखा ना अति परवलय के शीर्ष, अति परवलय के शीर्ष क्या होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, ये यहाँ पे लिखिए सॉल्व नंबर फर्स्ट, ये तो सॉल्व इसी जगह से है, अति परवलय के शीर्ष या शीर्षों के निर्देशांक क्या होगा, ए, ए जीरो होता है और ए डैश माइनस ए जीरो होता है। ए का मान कितना दिया है, फोर, तो होगा फोर जीरो और दूसरा होगा माइनस फोर जीरो। ठीक, अब नाभ के निर्देशांक निकालने के लिए पहले हमको उत्केंद्रता चाहिए, उत्केंद्रता के लिए ये तीसरा नंबर होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, इस फार्मूले में रख देंगे ई का मान निकल जाएगा। देखिए ए स्क्वायर कितना दिया है, सिक्सटीन, बी स्क्वायर नाइन, सिक्सटीन, ई स्क्वायर माइनस वन, यहाँ हुआ नाइन अपॉन सिक्सटीन, ई स्क्वायर माइनस वन इधर है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वन, इम्प्लाइज दैट ई स्क्वायर इक्वल टू सोलह न पच्चीस, पच्चीस बटे सोलह हो गया, इम्प्लाइज दैट ई बराबर पाँच बटे चार। देखिए ई का मान एक से बड़ा है, ठीक है, ये क्या है आपका उत्केंद्रता है, तो लिख देंगे उत्केंद्रता इक्वल टू फाइव बाई फोर, हो गया उत्केंद्रता हो गया। अब जो है नाभ के निर्देशांक दूसरे नंबर पे, नाभ निर्देशांक होता है प्लस माइनस ए जीरो, ए का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए प्लस माइनस फोर इक्वल टू प्लस माइनस फोर गुणे फाइव अपॉन फोर, इसको काट देंगे जीरो हो गया, तो हो गया फाइव जीरो हो गया। नेक्स्ट, अब जो है अगला है नाभि लंब जीवा की लंबाई नंबर चार, ये नाभि जो है दूसरे नंबर का था, ये देखिए दूसरे नंबर के नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई होगा टू बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू टू इंटू बी स्क्वायर नाइन अपॉन फोर, इसको काट देंगे टू होगा नाइन अपॉन टू आंसर होगा। ठीक, इस तरह से आपके क्वेश्चन दिया है सिक्स तक इसी तरह से। ठीक स्टूडेंट, तो आप ये एक्सरसाइज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।